राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी नेता कृपाल जगीना हत्याकांड के आरोपी की बुधवार को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे आमोली टोल प्लाजा के पास की है आरोपी कुलदीप और उसके साथी विजयपाल को पुलिस बस से पेशी के लिए भरतपुर कोर्ट ले जा रही थी बस जब अमली टोल प्लाजा पर रुकी तो वहां मौजूद दो बदमाश बस में चढ़े उन्होंने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च डाल दी इसके बाद करीब पंद्रह राउंड फायर कर कुलदीप की हत्या कर दी विजयपाल घायल है दोनों आरोपी सेंट्रल जेल में बंद थे घटना में दो पैसेंजर को भी गोली लगी है पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है एसपी मृदुल कछावा ने बताया कि चालानी गार्ड इन्हें लेकर आ रहे थे टोल के फुटेज पुलिस ने बरामद कर आरोपियों की पहचान की है बदमाशों की गाड़ी बरामद कर ली है विजयपाल की की हालत नाजुक है, पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों पहचान कर पीछा शुरू किया, चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया बाकी की तलाश की जा रही है सूत्रों के अनुसार कुलदीप हत्याकांड में पुलिस ने विष्णु सौरभ धर्मराज और बबलू नाम के चार आरोपियों को हिरासत में लिया है पुलिस ने इन चारों को रुदावल थाना क्षेत्र में हिरासत में लिया है इस दौरान विष्णु और बबलू को पैर में गोली लग गई थी जिन्हें रुदावल सीएचसी से धौलपुर के अस्पताल में रेफर किया गया है वहीं सौरभ और धर्मराज को रुदावल पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया है इधर प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाशों ने कुलदीप के शरीर में छह गोलियां उतार दी थी इनमें चेहरे पर चार और सीने में दो गोलियां मारी गई थी भरतपुर में 10 महीने पहले 4 सितंबर 2022 को बीजेपी नेता कुलदीप जगीना की हत्या की गई थी बदमाश तीन बाइक और दो कारों में सवार होकर आए थे। इस केस में कुलदीप जगीना और उसके साथी विजयपाल को आरोपी बनाया गया था पुलिस के मुताबिक हत्या जमीनी विवाद के चलते की गई थी 48 साल के कृपाल जगीना जमीन कारोबारी थे उनके खिलाफ पंद्रह मामले दर्ज थे रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी थे हिंदुवादी संगठन ने उनका जुड़ाव था भाजपा सांसद के भी करीबी थे बेटी एबीबीपी से कॉलेज की अध्यक्ष रह चुकी थी इसी